गया, हम बेकार देख देख के थक गए भाई साहब, अब बंद करो। बहुत पिटल जगह जगह बन गए, बंद करो यार। स्कूल जगह जगह बन गए, सड़कें बहुत बन गई, बंद करो यार, बहुत हो गया। मोदी जी थकते क्यों नहीं हो तुम यार, यार इतना विकास क्या करेंगे, पागल हो जाऊंगा मैं, बाय गॉड इतना विकास। अबे राम यार ये एरोप्लेन जा रहा, पांच पांच एरोप्लेन एक साथ, ओए भाई चश्मा उतार, इतना विकास, ओहो उतार नहीं जा रहा भाई चश्मा, तुझे उतारना, तुझे गलत दिख रहा है। बाटा मिठाई बांटने की बात हुई थी, हार गई तो कैसे भाई, एक हफ्ते तक दिखे भी नहीं थे, शर्म है भाई में, एक हफ्ते तक दिखे नहीं थे। लेकिन एक बात है भाई, पर्चे बनाते रहते लेकिन मोदी सरकार बना जाते। अब मुझे तो भाई बुर्ज खलीफा दिख रहा है, हॉस्पिटल दिख रहा है, नजरिया है जिसकी आंखों में जिसको जो दिख जाए, हमें राम मंदिर दिख रहा है, इन्हें बुर्ज खलीफा दिख रहा है। ढोंगी मीडिया हो ये बताओ, नहीं गोदी मीडिया हो कि ढोंगी मीडिया हो ये बताओ, क्या चाहते हैं, क्या बुलवाना चाहते हैं? अरे भाई तुम भी तो किसी की तरफदारी कर रहे हो, किसकी कर रहा हूँ मैं, कर रहे हो किसी ना किसी की तरफ, की कर रहा हूँ बताओ, अरे कर रहे हो नेताओं की तरफ, कब बोला हैं अभी अभी बोला तुमने, बीजेपी को वोट दो हैं, कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी मीडिया कब बोलती है बीजेपी को, बोला हमने वोट दो, ये तो मोदी को वोट देने बीजेपी को, मीडिया कब बोलती है, कब बोला कि वोट दो, नहीं तुम तो कह रहे हो कि मोदी की तरफदारी कर रहा हूं, अरे सबकी कर रहे हो तुम, कैसे कर रहा हूं, नेताओं की कर रहे हो तरफदारी, कैसे कर रहा हूं, ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ के पूछा हमने, बोला बताओ, कांग्रेस को का इतिहास नहीं पता, नहीं क्या गलत इतिहास है बताओ, 1975 से 1992 कांग्रेस ने क्या क्या कर्म कांड किया बताओ, और 2002 में क्या कर्म कांड हुआ वो बताओ, किसने वाजपेयी की सरकार में किसने किया, रात में क्या हुआ ये बताओ, कर्म कांड 1992 में, 1992 में क्या हुआ, अरे 2002 पहले आया या 1984 पहले आया, तो 1947 का भी बता दो फिर तो तुम, और अंग्रेजों का भी बता दो, ये तो कांड होते रहे भारत में सारे के, निभाओ है, अगर कांग्रेस रोने लगे तो अंग्रेजों के 200 साल रोएगी कि कुछ किया ही नहीं अंग्रेजों ने, करने नहीं दिया जी, अंग्रेजों ने बर्बाद किया था, मैं 70 साल हो गए संभालते संभालते, यही करेंगे 70 साल में गरीबी खत्म, मोदी मोदी जी के समर्थक, मोदी इधर सुनिए इधर सुनिए, कांग्रेस का रोना रोएंगे कि 70 साल से कांग्रेस इसलिए नहीं हुआ, 70 साल से कांग्रेस इसलिए नहीं हुआ, तो कांग्रेस क्यों रोएगी कि अंग्रेज 200 साल अंग्रेज इसलिए नहीं हुआ, रुक जाइए, ये कब लिया आपने, ये कब लिया, ये कब लिया, ये कांग्रेस का टाइम पे लिया था मैंने, कांग्रेस के टाइम हाँ, ये सीधा पहन रखा आपने, हाँ अगर उल्टा पहन लेते तो गलती किसकी है, उल्टा पहन लेते तो गलती किसकी है, जाहिर सी बात है मेरी गलती है, तुम्हारी गलती है ना, हाँ कांग्रेस को संविधान मिला था कि सारे जात सारे कास्ट एक बराबर है, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, तो ये तो अंग्रेजों के टाइम पे भी चलता संविधान, अंग्रेज के टाइम पे चलता था, सुनो अंबेडकर का संविधान कब मिला, अंबेडकर का नहीं था लेकिन कब मिला, कोर्ट थी, पहला पेज कांग्रेस ने पहले पेज पे, जानना चाहता हूँ अंग्रेज, अरे कांग्रेस ने पहले ही पेज पे गलती कर दी, क्या गलती करी, धर्म नहीं हट, जात धर्म बराबर हटा नहीं पाया, सबको इक्वल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया इक्वल, 70 साल में और क्या करना था, संप्रभुता का नारा किया, क्या 70 चार का नारा किया, क्या किया देश में, वो संविधान का पहला पेज नहीं संभाल पाया, और चार पिलर, चार क्या करेगा वो, लेजिस्लेशन का पहला पेज, अरे ऐसे कैसे नहीं संभाल पाए, मीडिया बनाई उसने, ठीक है भाई न्यायपालिका बनाई उसने, सारी चीजें तो बनाई उसने, तुम बोल पा रहे हो कांग्रेस की वजह से, तो बोल पा रहे हो संविधान की वजह से, क्यों कांग्रेस के बाप की वजह से बोल पा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल संविधान की वजह से, हाँ अम्बेडकर की वजह से, क्या दिया आर्टिकल 19 बोलने की आजादी, ये कांग्रेस ने दिया, और संविधान ने दिया, और संविधान लिखा किसने, कांग्रेस ने लिखा, अम्बेडकर कांग्रेस ने लिखा ना, तो उस टाइम सरकार किसकी थी, सरकार किसी, विधानसभा का गठन किसका हुआ, किसको बोलेंगे, कांग्रेस को बोलेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, यार आप भी राजेंद्र प्रसाद थे ना, पारित कहाँ हुआ संविधान, संविधान संविधान पारित कब हुआ, पहली समिति जो थी कांग्रेस की थी भाजपा की थी, लिखा किसने, हाँ लिखा किसने, बी आर अम्बेडकर ने लिखा, बी आर अम्बेडकर ने जब संविधान के पहले ही पेज पे लिखा सारे लोग बराबर है, आपने बराबर, एक मिनट संविधान बनेगा, देश पंथ निरपेक्ष होगा, देश धर्म निरपेक्ष होगा, सभी जाति एक समान होगी, ठीक है सभी धर्म एक समान होंगे, आरक्षण की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, ये रेलवे, ये पुलिस लाइन, ये आर्मी, ये तो सबको एक समान कर दिया, एक मिनट ये सारा किसका प्लान था, बीजेपी लाई, तुमने बनाया, बीजेपी तो आ जाइए, ये सवाल बीजेपी से करो, नहीं कांग्रेस संविधान का पहला पेज संभालो, इस देश की बुनियाद, जिस देश में तुम आज इतने पत्रकारिता कर रहे हो, ये फाउंडेशन है किसकी, जानना चाहता हूँ तुमसे, किसकी की बिल्कुल कांग्रेस की फाउंडेशन है, बी आर अम्बेडकर की फाउंडेशन है, महात्मा गांधी की सोच है, नेहरू की दूरदर्शिता है सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे ना, अम्बेडकर जी प्रधान, नहीं नहीं अम्बेडकर कांग्रेस में जोड़ देते पहले, नहीं एक मिनट एक बात बताओ, कौन सी पार्टी से थे, कांग्रेस से थे, किससे थे, कांग्रेस एमपी थे, एमएलए एमपी थे, एमएलए थे, देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे वो भाई, जब तक जब संविधान ही लिखा, हाँ जब संविधान नहीं लिखा उससे पहले भावी रूप से तो उन्होंने ही संभाला ना, 1947 में आजाद हुआ, ठीक है 50 तक देश में जो भी चीज़ें डिजाइन हुई है, जो भी बेसिक चीज़ें बनी है, किसने बनाई, बीजेपी बना गई का, बीजेपी तो आ जाइए, वो क्यों बनाई, हाँ
देखिए ये सर बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इनको अच्छा बोल, हाँ मैं सुन रहा था। देखिए 2014 के बाद ये सर गरीब हुए हैं, ठीक है, ये जितने भी इंडियन है ना 2014 के बाद गरीब हुए हैं, ठीक है। ये सर इनकी ना यही लाल किले पे ना प्राइवेट जेट लैंड होती थी, लैंड होती थी। ये जितने भी है, ये जितने भी 2014 के बाद गरीब हुए, ठीक है। यूके अमेरिका था ये देश, सर आप ही तो कह रहे हैं, सर सर अभी तो कह रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। मैंने 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 बोला बोला हम सुन रहे हैं इमली, मैंने अभी ना बीजेपी के बारे में बोला, ना देश की गरीबी बोला। कह रहे हैं यार हद हो गई, कांग्रेस पे बात कर रहे हैं, हम बीजेपी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है यार। अपने आप ही चुनौने दौड़ रहे तुम में, अब गजब बात है। मतलब ये बंदा मेरी वीडियो इतनी देख चुका है कि इस बंदे के दिमाग में मेरी वीडियो चली, हाँ मैंने बीजेपी का विरोध किया था। इनडायरेक्ट कहना है, देखिए इनडायरेक्ट सर का क्या कहना है, समझ में, पब्लिक समझती है सर, सर पब्लिक समझती है। इनडायरेक्ट अब क्या कह रहे हैं, आपका मोटो क्या है, बोल कांग्रेस कांग्रेस करके। ये देखिए 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 ये देखिए, ये कांग्रेस की देन है लगता है। अच्छा भाई पेट तो मोदी जी का भी है, कांग्रेस ने दिया होगा वो भी, 5 किलो राशन से अमित शाह का पेट देगा, अमित शाह का पेट, अरे मोटा, ठीक है कांग्रेस ने दिया है। लगता है कि ज्यादा एनालाइज करते हैं। ये देखिए ये ये सुनिए, इमरजेंसी की बात की इनने, बीजेपी ने पेट भी सर सुन लो, सर सुन लो, अच्छा बोलते हो साहब, अच्छा बोलते हो। इनने बोला प्रोटेस्ट के बारे में, ये कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, काफी अच्छा विकास किया है। हाँ, ये देखिए कंडीशन वाली, हाँ नहीं ये यार तुम्हारा विकास नहीं हो पाया, सर सुनते नहीं हो, यही दिक्कत है। नहीं नहीं बोल लो बोल लो, नहीं माइक करवाने की, इनको बोलने दो यार, बोलने की आजादी मिली है कांग्रेस के टाइम पे, बोलो सर, ये बोलो बोलो बिल्कुल। देखिए यही दुख तो है, हाइट छोटी होगी। देखिए दिक्कत यही है इनकी, दिक्कत यही है, ये कांग्रेस कहती थी खाओ और खाने दो, ठीक है, इनको दिक्कत हो गई है। मोदी जी कहते खाओ रघो, ठीक है तो चले बना दिए, फटाफट खाओ और जाओ, ठीक है, कुछ भी पेट में रहना नहीं चाहिए कि मैं ईडी भेज कर निकाल सकूं। बीजेपी की पार्टी के खाओ और हजम करके निकालो तुरंत। ये देखिए ये इनकी अपनी सोच है, ये करते होंगे, ये देखिए ये करते होंगे, यही यही इसीलिए याद आ रहा है 5 किलो राशन और बिल्कुल 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 नहीं 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 देखिए वहां से निकालो, यही तो। देखिए गरीबी बेरोजगारी कह रहे सर, सर पढ़ते होंगे, सर पढ़ते होंगे 2013 में, मतलब कि डॉलर कितने रुपए था सर 2013 में? हाँ हाँ 48 रुपए था, 48 हाँ। मैं 60 रुपए ही मान के चलता हूँ, आज कितना है? नहीं नहीं कोई नहीं, ये अभी कितना है, अभी कितना है, अरे अभी कितना है सर, अरे सर अभी कितना है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब देखो ये वाला, मैं ये वाला विकास देख के हिल जाता हूँ, जब जब ये वाला विकास देखता हूँ, जैसी मेरे को अभी तक पता है, इन नारों के बाद ही मुझे बुर्ज खलीफा देखना चालू हो गया सामने। अभी भाई हमें नारों के बाद राम मंदिर दिख रहा है, बुर्ज खलीफा, हाँ इंडिया के नहीं ना दुबई के है। ये भी सही है, ठीक है भाई, राम मंदिर दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, अब मुझे तो भाई बुर्ज खलीफा दिख रहा है, हॉस्पिटल दिख रहे हैं, एजुकेशन नजरिया है, अब जिसकी आंखों में जिसको जो दिख जाए, हमें राम मंदिर दिख रहा है, इन्हें बुर्ज खलीफा दिख रहा है, विकास विकास नहीं दिख रहा भाई, हो तो रहे हैं और कितना कराओगे यार, भाई हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे काम, विकास इतना हो गया, हम विकास देख देख के थक गए भाई साहब, अब बंद करो, हॉस्पिटल जगह जगह बन गए, बंद करो यार, स्कूल जगह जगह बन गए, सड़कें बहुत बन गई, बंद करो यार, बहुत हो गया। मोदी जी थकते क्यों नहीं हो तुम यार, यार इतना विकास क्या करेंगे, पागल हो जाऊंगा मैं, बाय गॉड इतना विकास, अबे यार ये एरोप्लेन जा रहा, पांच एरोप्लेन एक साथ, ओए भाई चश्मा उतार, इतना विकास, ओहो उतार नहीं जा रहा भाई चश्मा, तुझे उतारना, तुझे गलत दिख रहा है। एक चीज बताओ, राहुल गांधी ने पीली पीली भारत जोड़ा था पिछले साल, अब इतनी जल्दी कैसे टूट गए ये तो बता दो, दोबारा जोड़ने लगे, न्याय जोड़ रहे वे, कुछ नहीं न्याय, अपनी पार्टी को जोड़ ले, जब वो अपनी पार्टी को जोड़ लेना, जब भारत को जोड़े वो, क्या बोल रहा है, पहले कांग्रेस अपनी पार्टी जोड़े, भाई देखो एक बार बता रहा हूँ, अरे भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, ये अगर भारत टूटा हुआ था क्या भाई, एक बार बताओ महात्मा गांधी, नहीं एक मिनट, महात्मा गांधी जब नमक तोड़ो कानून, नमक आंदोलन के लिए चले थे, असहयोग आंदोलन के लिए चले थे, क्या देश में सहयोग नहीं था क्या उस टाइम पर, यार महात्मा गांधी भाई इतनी यात्रा करके गए, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, नमक नहीं था क्या भारत में, था ना, व्यवस्था बदलने के लिए, ये जो तुम चाहता ना, एक मिनट को, महात्मा गांधी चाहता ना
भगत सिंह को सुखदेव को फांसी नहीं होने देता, एक दिन पहले ही हो गई। व्हाट्सएप का ज्ञान, महात्मा गांधी व्हाट्सएप का ज्ञान सुनो, कह रहे महात्मा गांधी चाहता ना, पहले तो रिस्पेक्ट दो राष्ट्रपिता के लिए एक बात, और महात्मा गांधी ने 11 बार कोशिश की थी, 11 बार कोशिश की थी, ठीक है, और उसके बावजूद अंग्रेजी शासन ने जिस तारीख में फांसी होनी थी उससे एक दिन पहले चालाकी सी दी थी, इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन चाहते तो रुकवा देते, ठीक है, चाहते तो रुकवा, कितनी 2024 में कौन चाहिए, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, हाँ ये तो बोल रहा कांग्रेस आएगी, लगा लेना दम, लगा लेना आएगी फिर भी बीजेपी, कितना बोल रहे हैं, 9 साल से बोल रहे हैं आएगी नहीं, ये तो बोल रहे थे राजस्थान में भी नहीं आएगी, मध्य प्रदेश में भी नहीं आएगी, छत्तीसगढ़ में, शर्मा जी बोल रहे थे किधर है इधर, आइए आइए आप भी आइए, हाँ हाँ मैं बताता हूँ, क्या बोला था, कान पे कान पकड़ के यही उठी बैठी, ये पता हमें कान पकड़ के यही उठी बैठी, कौन बोला, आपने बोला था, मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला, बोला अगर तीन मजे मतलब फालतू, बिल्कुल नहीं, पुरानी मिठाई बांटने की बात करी थी, मिठाई मिठाई की वीडियो कि मिठाई भी बांटेंगे, मिठाई बांटने की बात हुई थी, हार गई तो कैसे भाई, एक हफ्ते तक दिखे भी नहीं थे, शर्म है भाई में, एक हफ्ते तक दिखे नहीं थे, लेकिन एक बात है भाई पर्चे बनाते रहते हैं लेकिन मोदी सरकार बना जाता है, गुड बहुत बढ़िया बोल गया, हम सुनो सुनो हमारे हमारा जो पार्टी का अध्यक्ष है जो नेता है, ठीक है, कांग्रेस जो है पर्चे बनाती है और मोदी जी चुनाते बन रहे हैं, चिल्लाओ एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो देखो भाई बढ़िया देखना ना तुम्हें, देश में बढ़िया देख लो भाई, एक बंदा ठीक है पर्चे बना रहा है और दूसरा मूर्ख बना रहा है, और ये मूर्ख बन रहे हैं भाई, ये कह रहे भारत जोड़ो, अब जब तुम जगह जगह के नारे लगा रहे हो ना और किसी को डरा रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बता रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है तुमने मेंटेन कर रखा है यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं, ये हुटिंग को लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, ये देश में सारी चीजें ठीक है, सुन तुम किसी की सकते नहीं, ठीक है, एक मिनट में बोला, एक मिनट में चुनौने काट गए, ठीक है, और कुछ नहीं, मुद्दों पे बात ये कर नहीं सकते, पूछोगे कि देश में कर्जा कितना है बता नहीं सकते, डॉलर कहाँ है बता नहीं सकते, हॉस्पिटल कितने बने बता नहीं सकते भाई, पूछोगे स्कूल कहेंगे जय श्री राम, पूछोगे कॉलेज बोलेंगे जय श्री राम, पूछोगे यूनिवर्सिटी बोलेंगे जय श्री राम, पूछोगे बेरोजगारी कहाँ वाले जय श्री राम, डॉलर कितना बढ़ा जी जय श्री राम, देश में कर्जा कितना जय श्री राम, हर बात का एक जवाब है इन पे, तो इसीलिए तो मूर्ख बोलते हैं तुम्हें भाई, सुनो विकास की बात, विकास की बात मैं बताता हूँ, मैं गुजरात सूरत से आया हूँ, मैं जानता हूँ विकास कौन सी पार्टी करती है, 18 साल मोदी जी ने राज करके गुजरात में विकास किया, मैं बोलता हूँ, मैं सुबह आया हूँ दिल्ली में गुजरात से, ठीक है, नहीं मोरबी वाली घटना कैसे हो गई थी, 2002 में गांधी धाम में भूकंप आया था, आम आदमी बन के मोदी ने सेवा की जनता की, अरे जनता का विकास मोरबी का कांड हुआ, अरे वो तो नहीं तो अस्पताल क्यों चमका रहे थे रातों रात, विकास पहले से था तो ठीक है, विकास हुआ था तो रातों रात अस्पताल में इतनी काम करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, मोदी के आने का वेलकम क्यों करना पड़ा इतना भाई, रातों रात पेंट हो रहा है, बेड चेंज हो रहे हैं भाई, उससे पहले ही हो जाता अगर मोदी जी ने काम किया था तो, मोरबी का लगता है कि इतना कुछ करने के बाद कांग्रेस आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ चार दम लगा लो, मैं इतनी कह रहा हूँ कांग्रेस पंजे से लेकर सर तक का दम लगा लो आएगी बीजेपी, मैं बोलता हूँ चाहे चमचे इतना सीट दम लगा लो, इतना भी दम लगा लो चमचे इतना सीट भाई, 400-300 तो वैसे आनी थी, 101 राम मंदिर का दक्षिणा देंगे, 400 बार कितनी सीट आएगी मैं बताता हूँ, कितनी सीट आएगी, 4 के पीछे 1-0 कांग्रेस।